हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अतुल सिंह चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है पहले वो देखते हैं। व्हेन हाफ पार्ट ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन बेसिकली आपका सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन क्रिस्टल इज डॉप्ड विद ट्रायवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्रायवेलेंट एंड हाफ पार्ट विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, वी गेट द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अगर सिलिकॉन सिलिकॉन क्रिस्टल को मैं आधा पार्ट ट्रायवेलेंट से डॉप करूँ और आधा पार्ट पेंटावेलेंट से, तो हमें पीएन जंक्शन डायोड मिलता है। ठीक है, हमने पीएन जंक्शन देखा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो दोनों को अगर कंबाइन कर दूँ तो मुझे पीएन जंक्शन डायोड मिलता है। ओके, तो बेसिकली इसका डायग्राम मैं बताता हूँ आपको कैसा रहेगा। ये देखो ऐसा रहेगा, तो देखो हाफ पार्ट ये होल्स हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब इसके आगे क्या होता है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से कुछ होल्स यहाँ पे जाएंगे, तो ऐसे इधर जाते और इधर जाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्रिएट करके जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्लस है, जो भी होल्स था उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेगेटिव आयन आ गया, तो ये सारे पॉजिटिव आयन हो गए, ये सारे नेगेटिव आयन हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही ये लोग इधर जाते, ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है और होल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नेगेटिव आयन क्रिएट होता है। तो एक टाइम पे क्या होता है कि ये लोग अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये इधर आता है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आता है ना, तो ये लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस का दीवार बना देते हैं। ठीक है, वॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये होता है आपका बैरियर पोटेंशियल, एंड इस रीजन को बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन लेयर। ठीक है, और ये जो है एक बैरियर पोटेंशियल भी बना देते हैं। तो आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या है। ये देखो, ये आपका पॉजिटिव पूरा होल्स आपका पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिव रहते हैं। तो अगला पॉइंट, ये सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स। ठीक है, तो अगला पॉइंट है मेरा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लीव एंड रीजन क्रिएट पॉजिटिव आयन एंड रिकम्बाइनिंग विद द होल क्रिएट नेगेटिव आयन इन द पी रीजन। ठीक है, ये हमने अभी देखा, रीजन नियर द जंक्शन इज डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्जेस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये जो आपका रीजन है, ये रीजन जो भी है आपका, ठीक है, इस ये आपका डिप्लेशन लेयर होगा, ये फ्री चार्जेस से भरा हुआ है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फ्री पॉजिटिव चार्ज हो गया, फ्री नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आगे आगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस का दीवार बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रिवेंट्स कंटिन्यूस डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन, हैंस कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि अब क्या है कि सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं चला जाएगा। ठीक है, ये बैरियर पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा यहाँ पे जाने से। जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बैरियर पोटेंशियल, वैसे ही उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यहाँ से यहाँ जो जा रहा था वो अपने आप रुक जाएगा बिकॉज ऑफ बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे सिलिकॉन हमने लिया था ना, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ये आपका हो गया पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अगर इसमें कोई भी सोर्स मैंने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, किसी भी सोर्स से मैंने कनेक्ट नहीं किया है, तो आपका ये जो डायोड रहेगा वो कैसा डायोड रहेगा, अनबायस्ड डायोड। ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड टू द डायोड इट इज सेड टू बी अनबायस्ड डायोड। तो ये पीएन जंक्शन का सिंबल है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल को, पीएन जंक्शन डायोड को, ये आपका पी साइड रहता है। ठीक है, देखो ये आपका पी साइड ये रहेगा, ये पार्ट, ये आपका एन पार्ट ये रहेगा, पी आपका एनोड से कनेक्टेड रहे, एनोड है, और एन साइड आपका कैथोड रहेगा। ठीक है, कैथोड से कनेक्टेड रहेगा। अब आगे देखते हैं कि ये अनबायस्ड था ना, तो अभी बायस्ड कब होता है वो देखते हैं। ठीक है, बायस्ड होगा तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आएगा, इतना समझा पीएन जंक्शन डायोड कैसे होता है फॉर्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड। ये हो गया आपका तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अभी पहला पॉइंट देखो आप, व्हेन एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड टू डायोड इट इज कॉल्ड बायस डायोड। ठीक है, अगर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड है
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायस डायोड, ठीक है, इट इज कॉल्ड बायस डायोड। तो अब बायस डायोड में दो बायस डायोड है, एक है फॉरवर्ड बायस डायोड, दूसरा है रिवर्स बायस डायोड, ठीक है, डायोड। तो पहला देखते हैं फॉरवर्ड बायस डायोड। अभी ये आपका है पीएन जंक्शन, ठीक है। अब पीएन जंक्शन में मैंने क्या किया कि उसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया, किसी वोल्टेज से मैंने कनेक्ट कर दिया, किसी सोर्स से, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया, ठीक है, अब इसमें फॉरवर्ड में क्या होता है कि जो आपका पी साइड है, पॉजिटिव साइड, जो होल्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, और जो नेगेटिव साइड है इलेक्ट्रॉन, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। ये फॉरवर्ड बायस में होता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रीजन, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। ये बेसिकली आयन्स है, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये आपका आयन्स है, मेन मतलब आपका इससे है, ठीक है, होल्स और इलेक्ट्रॉन से। तो जैसे ही अब देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स इज कनेक्टेड टू पी साइड, ठीक है, एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द एंड साइड, इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस डायोड, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने ये प्लस प्लस हो गया तो रिपेल करेंगे, ये माइनस माइनस हो गया तो ये भी रिपेल करेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, बैरियर पोटेंशियल को, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल को और प्रेस कर देंगे, पुश कर देंगे। तो जैसे बैरियर पोटेंशियल को पुश पुश किया तो वैसे ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिल जाएंगे, है ना। अब दोनों मिल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा तो वैसे इसमें करंट करंट आ जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने आई साइन दिखाया है, इलेक्ट्रॉन आपका ये डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन आपका ये डायरेक्शन में ही है, ठीक है, तो वैसे ही करंट इसमें आ गया था, ठीक है, कन्वेंशनल करंट। तो अगला पॉइंट आपका वही है। अब ये जो मतलब एक पॉइंट और है कि ये आपका कितने वोल्टेज पे प्रेस प्रेस होता है, तो वो वोल्टेज रहेगा जब आपका बैरियर पोटेंशियल है व्हेन। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कब आपका इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, कि जब आपका अभी ये जो डायोड है वो सिलिकॉन का डायोड है, तो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.7 वोल्ट, वो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल। तो जब जो एक्सटर्नल वोल्ट आप लगा रहे हो, वो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तब आपका इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, या उससे ज़्यादा रहेगा। तो उससे अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट से कम है तो आपका इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे, व्हेन, तो जब आपका ये हो जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो आपका ये पॉइंट आता है, तो व्हेन फॉरवर्ड बायस बिकम्स इक्वल टू द बैरियर पोटेंशियल, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉसेस द जंक्शन, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल दे कंबाइन एंड लार्ज करंट फ्लोस, दोनों कंबाइन हो जाते हैं, लार्ज करंट फ्लोस थ्रू द डायोड एंड देन अ कंटिन्यूस करंट इज सेटअप इन द डायोड, ठीक है, फिर कंटिन्यूस करंट हो जाता है सेटअप। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिवर्स बायस डायोड, ओके। तो ये आपका हो गया रिवर्स बायस डायोड। तो रिवर्स बायस डायोड में आपका देखो, ये बेसिकली क्या होगा कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा, पॉजिटिव रीजन है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा, और नेगेटिव रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो वो आपका रिवर्स हो जाएगा, सिंपल है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वही नोट लिखा है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड विद द एन रीजन एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द पी साइड, इट इज कॉल्ड रिवर्स बायस डायोड। सेकेंड पॉइंट कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अवे फ्रॉम जंक्शन, अब जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इधर इधर आएगा, ये डिप्लेशन रीजन यहाँ पे और बढ़ेगा, ठीक है, जो भी डिप्लेशन रीजन यहाँ पे और बढ़ेगा, क्योंकि एन आपका इससे अट्रैक्ट करेगा, पी आपका इससे अट्रैक्ट करेगा, तो डिप्लेशन रीजन आपका इसमें बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ते रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कितना हम लोग वोल्ट देंगे, उसके हिसाब से ये डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम जंक्शन, इट इंक्रीजेस विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन जो लेयर है आपका उसका विड्थ इंक्रीज करेगा एंड बैरियर पोटेंशियल, फिर देर इज नो करंट थ्रू रिवर्स बायस डायोड। अब इसमें फ्री चार्जेस ही क्या है, फ्री चार्जेस है, तो जब फ्री चार्जेस ही है यहाँ पे तो फिर करंट यहाँ पे किधर रहेगा। बट क्या होता है कि व्हेन रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड, मतलब जो वोल्टेज है अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ एट हाई वैल्यू, एट एक हाई वैल्यू पे इसको इंक्रीज करूँ, तो रिवर्स करंट इंक्रीजेस
इसमें रिवर्स करंट आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स करंट इंक्रीज हो जाएगा जो कि आपका प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, ठीक है, रिवर्स करंट इंक्रीज सडनली एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। यहाँ पे आपका डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है एंड द करेस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज में आपका ब्रेकडाउन होगा करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस डायोड। सो यहाँ पे पीएन जंक्शन टॉपिक खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बस आगे सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।